भाइयों बहनों, एक जगह पर एक और बात दीदी ने अपनी सभा में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भगवान राम को पोलिंग एजेंट बना दिया है। मैं आज दीदी को साफ साफ कहना चाहता हूं, भगवान राम हमारी रगों में है, हमारे संस्कारों में है। साथियों, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी मुझे ये सोने की लंका जरा भी प्रभावित नहीं करती, मेरे लिए मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भाई और बहनों, राम हमारी प्रेरणा है, राम हमारी प्रज्ञा है। भाई और बहनों, और इसलिए हमारी राजनीति का रास्ता राष्ट्रवाद है, भारत भक्ति है। दीदी एजेंटों का गोरख धंधा तो आपने यहां पश्चिम बंगाल में बहुत चलाया है। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा काम नहीं जो टीएमसी के एजेंटों के बिना चल सकता है। आपका ये चौकीदार दिल्ली से गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों को सस्ता राशन मिले इसके लिए रुपये भेजता है। दीदी अपने एजेंटों के माध्यम से उस पैसे में से टोलाबाजी करती है और मेरे आदिवासी भाइयों बहनों तक खराब किस्म का चावल पहुंचाया जाता है। मुझे बताया गया है कि यहां तो गरीबों के, आदिवासियों के राशन कार्ड भी दीदी के एजेंटों ने दबा दिए हैं। दीदी आखिर गरीबी गरीब से आपकी क्या दुश्मनी है? साथियों, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था आपके इस चौकीदार ने की है। देश के तमाम राज्यों में गरीबों को, जनजातीय परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन यहां दीदी के एजेंटों को फायदा नहीं मिलता तो योजना ही बंद कर दी। मैं फिर से पूछता हूं, दीदी ये गरीबों से इतनी नफरत क्यों है आपको?
भाई और बहनों, आपके इस सेवक ने एक और योजना शुरू की है, पीएम किसान सम्मान योजना। इसके तहत देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के बैंक खाते में उनकी जो छोटी छोटी जरूरतों के लिए सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में इसमें तोलाबाजी नहीं हो पा रही है, इसलिए दीदी लाभार्थी किसानों की लिस्ट देने में ही आनाकानी कर रही है। दीदी, आखिर किसानों से किस बात का बदला ले रही है आप?